नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले में बारिश का हाई अलर्ट घोषित किया गया है। नर्मदा का जल स्तर बढ़ने से खलगाट का जो पुराना पुल है वो डूबने की स्थिति में आ गया है। आपको बता दें कि इंदिरा सागर डैम के 13 गेट खुलने से धार जिले की नर्मदा पट्टी में अलर्ट जारी किया गया है। धार सहित नर्मदा के आसपास के इलाकों में SDRF की टीम को तैनात कर दिया गया है। यही वजह है कि नर्मदा नदी में लगातार जल स्तर जो है बांधों से पानी छोड़ने के कारण बढ़ता जा रहा है। नर्मदा नदी का जल स्तर में 5 फीट तक की बढ़ोतरी हो गई है। नर्मदा का पानी पुल तक पहुंच गया है। धर्मपुर मनावर से होकर गुजरने वाली नर्मदा नदी के आसपास के बसे गांवों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं 6 जिलों को कलेक्टर को बताया गया है कि बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बांध में अत्यधिक मात्रा में पानी एकत्रित हुआ है। गेट खोलने के बाद डाउन स्ट्रीम यानी निचले इलाकों में अत्यधिक सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए कहा गया है। वही आपको बता दें कि कल जो यात्री बस का दर्दनाक हादसा हुआ था खलगाट पुल के समीप, वहां पर अभी भी जो है SDRF की टीम के द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक 12 लोग जो हैं जिनके शव मिले थे उन्हीं की पुष्टि, मृत होने की पुष्टि हुई है। अभी तक जो है सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी शव प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए खबर SKP लाइव न्यूज पर।